मैडम क्लाउडिया मेरे पश्तून बलूच और कश्मीरी दोस्तों, जी सिंधु देश, जी कश्मीर, बलूचिस्तान और पश्तून। आज मैं समझता हूँ कि कश्मीर साहब ने जो बातें की वो सारा तफसील जो भी बोलता, मैं समझता हूँ कि हम सब की जैसे नुमाइंदगी आपने की। मैं सिर्फ चंद बातें कहूँगा कि हमारी जदोजहद एक ऐसी रियासत के ख़िलाफ़ है, एक ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ है जिस मुल्क के अंदर हमारी कौमों को गुम किया गया है और उनको चुराया गया है, हमसे छीना गया है। यानी हमारी कौमें हम ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारी कौमें कहाँ है। जैसे कश्मीर साहब ने कहा कि एक रियासत मुल्क बनता है और पश्तून कौम को यानी 65 साल तक उनको जो है सरहदी सूबा का नाम दिया जाता है, उनको पश्तून नहीं माना जाता। एक ऐसा मुल्क जिसमें मेरे सिंधु देश को मेरी तारीख के साथ जो है जबर किया जाता है, मेरी तारीख का इनकार किया जाता है, मेरे वतन का, मेरे वतन के वजूद का इनकार किया जाता है, और यही सब कुछ सारी कौमों के साथ जो है वो हो रहा है। हमें इंटरनेशनल फोरम्स पर ये बात दोहरानी चाहिए कि पाकिस्तान जब दो कौमी नजरिया, जिसको कहते हैं कि मुसलमान अलग कौम है, वो दो कौमी नजरिया, मैं बार बार कहता रहा हूं कि 1971 में बंगाल की जदोजहद ने उस दो कौमी इस्लामी जमीन बिगाड़ दिया। पाकिस्तान जो जना का पाकिस्तान था उसको 1971 में गयूर गैरतमंद बंगालियों ने दफन कर दिया। उसके बाद जो पाकिस्तान बचा था, जिसको 73 के आइन के नाम पर, यानी वो जना का पाकिस्तान था, दूसरा पाकिस्तान भुट्टो का पाकिस्तान था, जिसको 73 के नाम नहा 73 के आइन के नाम पर जो पाकिस्तान बचाया गया, उस पाकिस्तान को भी 71 वाले को भी फौज ने डुबोया, और जो भुट्टो ने पाकिस्तान बनाया था उसको भी फांसी के साथ पंजाबियों ने, पंजाब की फौज ने उस पाकिस्तान को भी जो है वो फांसी पे लटका दिया था। इस वक्त जो पाकिस्तान है वो मुकम्मल तौर पर एक कब्जा है, एक जबर है, मजलूम कौमों के जोग्राफिया के ऊपर, मजलूम कौमों के वसाइल के ऊपर, मजलूम कौमों के जितना भी हमारा वतन, तारीख, हिस्ट्री है, उस सब के ऊपर पंजाब ने इसलिए कब्जा किया हुआ है क्योंकि पंजाब एक लैंड लॉक नेशन है, उनको समंदर नहीं है। और पंजाब ने जब पाकिस्तान बना था उस वक्त पंजाब के पास सिर्फ मिलिट्री थी, यानी बंगालियों के पास अक्सरियत थी, डेमोक्रेसी थी, सिंध में कराची के अंदर कारखाने थे, कुछ सरमायादारी थी, और पंजाब के पास जो है वो सिर्फ मिलिट्री थी। इसलिए पंजाबियों ने सबसे पहले बंगाल को अलग किया, उनकी अक्सरियत को, उनकी डेमोक्रेसी को। यानी अगर बंगाल साथ रहता तो पाकिस्तान के अंदर जब भी जमहूरियत वोट होता तो बंगालियों की हुकूमत उनको मिलती, और शेख मुजीब रहमान ने ये प्रूव भी किया था। इसीलिए पंजाबियों को ये गवारा नहीं था कि हमें कोई भी डेमोक्रेसी के नाम पर अक्सरियत जो है उसको, उन्होंने 30 लाख बंगालियों को शहीद किया गया और वो बंगाली अलग हो गए। उसके बाद जो पाकिस्तान बचा है वो एक जबरी इलाहाक है, वो एक कब्जा है जिसमें किसी सिंधी की राय नहीं है, बलोच की, कश्मीरी की, पश्तून की, किसी की राय शामिल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जिसमें जनाब बाचा खान, खैरबख्श मरी और साहिब जीएम सैद, इनको सारी जिंदगी उन्होंने कैदो बंद में और नजरबंदियों में गुजारी। इसलिए जिस रियासत के खिलाफ हम आज खड़े हुए हैं, हम पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली हमारा केस हम अपना विन कर चुके हैं, क्योंकि कोई मजहब के नाम पर कौम नहीं होती, ये साबित कर दिया।
आइडियोलॉजिकली भी और प्रैक्टिकली भी 71 में साबित हो गया था। इसीलिए आज इस वक्त की जो सूरत हाल है, जब मैं कहता हूं कि सिंध के पॉलिटिकल वर्कर्स को आर्मी की तरफ से आईएसआई की तरफ से मारकर उनको फेंका जाता है, उसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ मेरी कौम, बल्कि वो ही सेम हशर जो है वो बलोचों के साथ भी है, वो वाना वजीरिस्तान में भी हो रहा है और वो सेम जो है वो कश्मीर के अंदर भी हो रहा है। इसलिए ये एक जबरी इलाहात है और जबरी इलाहात को जब तक हम लोग इसको तोड़ेंगे नहीं, जब तक हम आजाद सिंधु देश को आजाद नहीं करवाते, जब तक हम बलोचिस्तान को आजाद नहीं करवाते, कश्मीर को कश्मीर का डिफरेंट केस है और मैं पश्तूनों की बात कह रहा हूं, पश्तूनिस्तान को जब तक हम आजाद नहीं करवाते। और मैंने कश्मीर का केस आज जो साई ने बयान किया, इससे पहले भी मुलाकात हुई थी, कश्मीर को तो मुकम्मल उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया है, वो कर रहे हैं। यानी ये एक किसी कौम का वतन, जैसे साई ने कहा, चौकत साहब ने कहा कि मातृ वतन जो होता है वो हमारा, हमारे आने वाले नस्लों की हमारे पास अमानत होती है और उस आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, हमारी जो कौम के जो आने वाले बच्चे हैं, उस अमानत को पंजाब दुआई भी कर रहा है, उसको गुलाम भी मना रहा है और हमारे पूरे वजूद के साथ जो खेला जा रहा है। मैं कहता हूं कि इस वक्त पंजाब ग्रेटर पंजाब को, पाकिस्तान को ग्रेटर पंजाब में तब्दील कर रहा है और सीपेक इस मंसूबे का मतलब यह है, एक तरफ वो 50 बिलियन डॉलर्स में उसको करप्शन का पैकेज कहता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी जो एक माफिया है, टेररिस्ट माफिया है पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, वो चाइना के उस 50 बिलियन डॉलर्स को एक करप्शन के तौर पर लेती है और दूसरा चाइना को पंजाब सिंध बलोचिस्तान और पश्तूनिस्तान की जो गुलामी है उसमें घसीट के ला रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अब ज्यादा वक्त नहीं रह सकता। ऐसा मुल्क जिसकी अपनी कोई कानूनी ना हो, जो भीख मांग के दुनिया से खा रहा हो, वो किसी कौम को ज्यादा वक्त गुलाम नहीं रख सकता। इसीलिए पंजाब में चाइना को ला रहा है कि मजलूम कौमों को ज्यादा से ज्यादा गुलाम कैसे बनाया जाए और पंजाब की स्ट्रेटेजी है कि पाकिस्तान को मुकम्मल ग्रेटर पंजाब बनाया जाए। ग्वादर से लेकर जो कराची की जो सूरत हाल है और अंदरूनी सिंध और वाना वजीरिस्तान तक, जो मुझे दोस्तों ने कहा कि वाना वजीरिस्तान में भी इसीलिए बमबारी की जा रही है कि पश्तूनों को वहां से निकालो और वहां पंजाबों को सेटल करो। इसीलिए ये ग्रेटर पंजाब है और हमें अपनी कौमों की आजादी लेनी पड़ेगी। हम दुनिया को बताते हैं, अकवामे मुत्तहिदा को बताते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ज्यादातर कश्मीरी साहब ने बातें की, मैंने अपनी स्पीच जो है वो मैं लिख के लाया हूं, वो भी आपके सामने होगी। लेकिन मैं लास्ट में सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, मेरी अपील होगी उन पश्तून दोस्तों के साथ जो पश्तून अभी यहां पर आए हैं, बलोच दोस्त बैठे हुए हैं, कश्मीरी दोस्त बैठे हुए हैं, हम लोगों को इंटरनेशनली एक अलायंस बनाना चाहिए, जो अलायंस हमारी कौमों के मुकम्मल आजादी के लिए होना चाहिए। और मैंने पहले भी राय रखी थी कि ऐसा अलायंस जिसमें मेरी ख्वाहिश है कि अगर कश्मीरी साहब शौकत कश्मीरी को हम उस जो अलायंस बना रहे हैं उसका ऑर्गेनाइजर मुकर्रर करें या उसका सरबराह मुकर्रर करें, तो हम सबको इस पर इत्तेफाक करना चाहिए। और मैं उस अलायंस का सबको अपील भी करता हूं और कश्मीरी साहब शौकत कश्मीरी साहब को भी मैं कहता हूं कि मेरी तरफ से, और अगर सारे दोस्त इत्तेफाक करते हैं तो हम आपको इस जो भी अलायंस है, जो भी अलायंस बाद में तय करते हैं, मजलूम कौमों के आजादी के लिए एक इत्तेहाद और अलायंस जिसका पहला कन्वीनर जो है या पहला ऑर्गेनाइजर वो सर शौकत कश्मीर साहब को जो है वो बनना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूंगा और बाकी साथी बैठे हुए हैं और मैं समझता हूं कि इस तरह की गैदरिंग हमारी होती रहेंगी और जब तक पाकिस्तान को हम तोड़ेंगे नहीं उस वक्त तक हमारी जदोजहद जो है जारी रहेगी।